भाइयों और बहनों, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी यहीं से विधायक बनकर जाते थे, फूलपरास विधानसभा से बन। इतने साल तक एक कांग्रेस एंड लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया था। हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर समस्त बिहार के पिछड़े समाज का सम्मान किया। कर्पूरी ठाकुर जी ने इतने पिछड़े समाज से आते हुए जो लोकप्रियता हासिल की है, वो लोकप्रियता आज भी सबों की ईर्ष्या का कारण बनी हुई है। कर्पूरी ठाकुर जी ने भी गरीब के घर से आकर बिहार में गरीब दलित पिछड़े का आवाज बुलंद किया, और नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीब चाय बेचने वाले के घर पर जन्म लेकर पूरे देश भर में गरीबों के कल्याण का यज्ञ चालू किया है। भाइयों बहनों, यज्ञ आज नरेंद्र मोदी जी देश भर के पिछड़ा गरीब दलित आदिवासी वंचित उसके कल्याण के लिए काम करने वाले नेता के रूप में उभरे। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना भाई? जोर से बोलो, बनाना है ना? मैं इसका मतलब समझाता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से जातिवाद को समाप्त कर देना, आगे मेरिट्स में राजनीति चले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है बिहार के अंदर से, देश के अंदर से भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना। देश के खजाने की पाई पाई जिस पर गरीब का अधिकार है वो गरीब को मिले, ऐसा शासन लाने का मतलब है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। भाइयों और बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब झंझारपुर की इस विशाल सभा से देश भर के मतदाताओं को आज मैं पूछने आया हूं। ऐसा होने वाला नहीं है मोदी जी का जीतना निश्चित है, मगर स्वप्न में भी सोच लो ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो, है? मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? झंझारपुर वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडी अलायंस की सरकार आई, तीनों ने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। एक साल शरद पवार जी बनेंगे, एक साल लालू जी बनेंगे, एक साल ममता जी बनेगी, एक साल स्टालिन बनेंगे, और कुछ बचा खुचा होगा तो राहुल बाबा बनेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था,
नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। भाइयों और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। झंझारपुर वालों, मैं आपको पूछने आया हूं, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी खर्च हुआ है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगाया है ना? छोटे बड़े गरीब धनवान सभी को लगाना भाई। मोदी जी ने 130 करोड़ टीके लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस वक्त ये राहुल बाबा मखौल उड़ाते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है, ये तो अच्छा है भाई। झंझारपुर वाले उनकी सुनते नहीं, सभी ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को लगा कि सभी लोग लगाते हैं, एक दिन अंधेरे में जाकर वो भी टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, कोरोना जैसी बीमारी के समय, महामारी के समय भी आप राजनीति करते हो। झंझारपुर वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं बिहार और राजस्थान का कश्मीर से क्या लेन देन है। अरे खड़गे साहब, 80 पार कर गए आप, परंतु देश को समझ नहीं पाए। कश्मीर के लिए मेरे झंझारपुर का बच्चा बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है। जान 70 साल से ये लोग धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, यूपीए के 10 साल में आए दिन बम धमाके देते, कोई कुछ नहीं बोलता था, तुष्टिकरण की राजनीति होती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में बम धमाका हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने आतंकवाद का सफाया करने का। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कराया। ये जो गमंडिया गठबंधन है, इनके नेता ये देश को संभाल नहीं सकते। मोदी जी का नेतृत्व ही कोरोना से भी बचा सकता है, आतंकवाद से भी बचा सकता है। कश्मीर में शासन सुशासन मोदी जी ही स्थापित कर सकते। मुझे बताओ भाई, मैं सीता माता की धरती पर आया हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो माताएं बहने, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को ये लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.